गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने PPR स्टडी में। आ जाओ जल्दी से, हम शुरू करते हैं प्रायिकता। और साथियों, आज प्रायिकता का तीसरा पार्ट होगा। कक्षा 10 की NCERT मैथ आप देखना शुरू कर दिए हैं PVR स्टडी में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, जिससे कि आप अगली क्लास भी देख पाएँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के पहले हम लोगों ने कर लिया 11 तक, आज 12 नंबर देखेंगे। और जो पार्ट इसके पीछे हो चुके हैं उसको आप जब इस क्लास को पूरा देखोगे तो लास्ट में इन स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। पूरा देखोगे तब, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे मंगा लेना। चलो, और हाँ, PVR स्टडी का ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। शनियों के खेल में एक तीर के निशान को घुमाया जाता है, एक तीर को घुमाया जाता है। पहले क्वेश्चन को सुन लो, फिर समझ में आएगा, पहले नहीं समझ में आएगा। जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हैं, सांप्रायिक के बारे में मैंने पहली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, तो फिर इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, किसको इंगित करेगा। पहला, ये तीर 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, या फिर 9 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। देखो साथियों, सिस्टम सी बात है, सिंपल सी है कि आपने देखा होगा मेला वगैरह लगता है, एक चकरी वाले लेके बैठते हैं, है ना, बैठते हैं इनाम वाली, उसमें प्रतियोगिता कराते हैं, भाई चलो पैसा लगाओ, इनाम खेलो। लोग उनको बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, जो जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, उनको बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन इस मैथ में इस जुआ और उस चकरी वाले खेल का बहुत बड़ी कहानी है, इसको आपको भी समझना चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ। आपको भी खेलना चाहिए लेकिन कम खेलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। देखना, जैसे अगर ये देखो चकरी मैंने बना दिया है, सोचिए, गेस करिए कि बीच वाला पार्ट घूमता होगा और मैं इसको ऐसे नचा दूंगा तो क्या होगा, ये जो तीर है ये थोड़ा देर घूमेगी फिर कहीं ना कहीं रुक जाएगी ना, रुकेगी तो इसमें 1 से 8 तक गिनती लिखे गए हैं, तो किसी न किसी के सीधे पर रुकेगी। जैसे देखो अभी ये 1 के सीधे पर रुकी है ना, और अगर मैंने इसको एक बार घुमाया, एक बार इसको नचाया, और मान लो ये आके यहाँ रुक गई 6 के निशान पर, अब देखो कहाँ पर रुकी, 6 के सीधे में रुक गई। और मैं अगर इसको एक बार फिर से घुमाऊँ तो हो सकता है ये 6 के बजाय 8 के सीधे पर रुक जाए, है ना, कहीं भी रुक सकती है ना। तो यही चीज़ इसमें निकालना है, कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है, प्रायिकता मतलब संभावना, कितनी उम्मीद है, कितनी संभावना है कि ये तीर जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये 8 पे आके रुकेगी, इसकी कितनी संभावना है, जल्दी बताओ सोच के। देखो यार, आप सभी जानते हो ना कि कुल कितनी संभावनाएं हैं 8 पर रुकने की, चूंकि कुल मिला के 8 गिनतियाँ हैं, 8 गिनतियाँ हैं ना, तो टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, टोटल 8 परिणाम हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि 8 पे ही रुकेगा, मैं एक बार घुमाया 6 पर रुक गया, एक बार घुमाया 3 पर रुक गया, एक बार घुमाया 7 पे आया, एक बार 2 पे चला गया, 8 पे नहीं गया तो क्या करोगे। 8 बार जो घुमाओगे तो हो सकता है एक आध बार चला जाए 8 पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे हल में, नीचे लिखो हल, हल में लिखोगे कुल परिणामों की संख्या, या फिर ऐसे लिख लो कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 8। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लिख लो, वीडियो को रोक करके लिख लो, ठीक ना। आगे देखना, अभी सवाल नहीं लगाया मैंने, अभी तो केवल लिखा है बस, अब पहले सवाल पे आ जाओ। कह रहा कि कितनी संभावना है कि वो 8 पर ही रुकेगी। अब लिखो, चूंकि चक्र में 8 अंक हैं, चूंकि चक्र में 8 अंक हैं, और आगे लिखो तीर द्वारा अंक 8 को इंगित करने की, 8 को इंगित करने की घटना की प्रायिकता या फिर परिणामों की संख्या बराबर 1। क्या लिखोगे, परिणामों की संख्या बराबर 1। इसको अपनी भाषा में कैसे लिखोगे, अपनी भाषा में ऐसे लिखोगे, चूंकि दिए गए चक्र में कुल 8 तीलियां हैं, अतः यदि हम चक्र को घुमाएंगे तो उस चक्र की सुई के 8 पर आने की केवल 1 संभावना है। बात समझ रहे हो ना, एक ही बार तो है ना कि परिणाम अनुकूल आएगा, मतलब एक ही संभावना है, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ से अब आप इसको, हमारा बात को समझ गए होंगे, है ना। तो चलो इतना लिख लिए होंगे, यानी कि उस पर आने की कितनी संभावना है, 8 संभावना है। अर्थात आगे लिखो, अर्थात PE या फिर P 8 की ओर इंगित करता होता है, ऐसे लिख लो P, ब्रेकेट में लिखो 8 की ओर तीर इंगित होता है, 8 की ओर तीर इंगित होता है, पी ब्रेकेट में लिख लो 8 की ओर तीर इंगित होता है बराबर, अब लिखो कुल परिणामों की संख्या,
सॉरी कुल नहीं, संभव परिणामों की संख्या बराबर करके इसको लिखने के बाद इसके आगे लिखना, मतलब जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब कई तरह से लिख सकते हो यार, ठीक है ना। ऐसे लिख लो अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, एक, और कुल परिणामों की संख्या आठ, चूंकि कुल आठ अंक है उस पर लगे हैं तो आठ कुल परिणाम होंगे, लेकिन उसमें से एक ही परिणाम हमारे काम का होगा जब आठ पे रुकेगा, समझना बड़ी बात है। इसमें लिखने को आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो। अगला कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, चूंकि क्वेश्चन हमारे पास हैं और हम आपको बता देंगे, आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हो ना तो क्वेश्चन को आप नोट कर लो वीडियो को थोड़ा पीछे करके, चूंकि इधर लगाने में दिक्कत हो रही, सवाल को जगह नहीं, ठीक ना। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दो से बड़ी संख्या को इंगित करेगा वो तीर। देखो यार, दो से बड़ी संख्या तो बाद में करेंगे, पहले कह रहा था एक विषम संख्या को करेगा। अब इसमें देखो विषम कितनी है, एक, तीन, पाँच, सात, कुल विषम संख्याएं, ऐसे लिखो, दूसरा नंबर डाल के लिखो, चूंकि कुल विषम संख्याएं बराबर तीन, कुल विषम संख्याएं बराबर तीन, अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, भाई तीन है तो तीन में से किसी एक पर रुक जाएगा तो तीन अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, लिख लेना मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना है, तीन है। नीचे लिखोगे कुल परिणामों की संख्या बराबर, कुल परिणामों की संख्या, भाई कुल तो आठ है तो आठ ही होगा, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब क्या होगा, वही लिख लो फिर जो अभी आपने लिखा था, चक्र पर कुल विषम संख्याएं के बाद में लिखो, यार कितनी संख्याएं हैं इसमें विषम वाली, एक, तीन, पाँच, सात, एक, तीन, पाँच, सात, तो चार संख्याएं हैं, तीन कहाँ हैं, एक, तीन, पाँच, सात, चार है ना टोटल, दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ये देखो चार ही हैं भाई, चार ही हैं, देखो एक, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये चार हो गई, टोटल चार विषम संख्या है ना, तो जहाँ आप तीन लिखे वहाँ चार लिखोगे, ठीक, ओके। कुल परिणामों की संख्या आठ, अब लिखो, अतः इसकी प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर चार बटे आठ, काट दोगे तो एक बटा दो कितना हो जाएगा, वन अपान टू, नोट कर लो जल्दी से, इसको लिख लिए होंगे तो मैं आगे से हट चुका हूँ। अब अगला देखना, तीसरा क्या कहता है कि चक्र पर दो से बड़ी संख्याएँ हैं। कह रहा था कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये तिल्ली जो है वो जा करके दो से बड़ी संख्याओं पर रुकेगी। तो देखो यार, दो से बड़ी संख्याएं कितनी हैं, पहले तो ये लिख लो, आप सभी लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो, नहीं लिख पाए थे तो वीडियो को रोक करके लिख लो या पीछे करके लिख लो, वैसे मैं आपको काफ़ी टाइम देता हूँ लिखने के लिए, है ना, बहुत टाइम देता हूँ। तो लिखो तीसरा, चूँकि दो से बड़ी, चूँकि दो से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो से बड़ी, दो से बड़ी बोल रहा था, दो या दो के बराबर नहीं बोला ना, तो दो से बड़ी कुल संख्या कितनी है, देखो यार तीन, ये यहाँ से गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः है ना। दो से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, ऐसे लिख लो चाहे, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, है ना, ये छः संख्या है ना, कुल छः संख्याएं हैं, अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, बताओ दो से बड़ी संख्या आएगी इसके कितने अनुकूल परिणाम होंगे, जितनी ये संख्याएं हैं अनुकूल परिणाम हो जाएंगे छः। नीचे लिखोगे कुल संभावित परिणामों की संख्या, संभावित मतलब ऐसे कह दो कुल परिणामों की संख्या टोटल, तो टोटल तो आठ हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, आप लिखोगे प्रायिकता बराबर हो जाएगा छः बटा आठ, दो से काट दो, दो तीन छः, दो चौक आठ, कितना हो जाएगा तीन बटा चार, ये थ्री अपान फोर आपका इसका आंसर आ गया। इसके बाद नौ से छोटी संख्याएं, कह रहा था अगला इसी में है नेक्स्ट नंबर चौथा, कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो संख्या जिस पे रुकेगा वो चक्र वो नौ से छोटी होगी। तो मुझे ये बताओ, इसको नहीं लिखे हो तो लिख लो वीडियो को पीछे करके, ये बताओ इसमें नौ से छोटी कुल कितनी संख्याएं हैं,
जल्दी बता दो फटाफट। चौथा नंबर लिखो, लिखो नौ से छोटी कुल संख्याएं, नौ से छोटी कुल संख्याएं कितनी हैं? आठ हैं। अब नौ से छोटी अगर आठ संख्या हैं तो टोटल आठ परिणाम हो जाएंगे। अब लिखो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर आठ। भाई सिंपल सी बात है यार, टोटल आठ हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या आठ हो जाएगी। अब लिखो अतः प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या नहीं आठ बटा कुल परिणाम आठ बराबर कट जाएगा तो एक। इसकी संभावना क्या है? एक है, मतलब ये निश्चित है कि आठ से छोटी कोई ना कोई संख्या आएगी, और सॉरी नौ से छोटी, क्योंकि अगर हम चक्र को घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही, किसी न किसी नंबर पर रुकेगा, यानी कि उसमें से कोई ना कोई एक संख्या आएगी। तो साथियों ये क्लास यहीं पर हो चुकी है, आप लोग इसे नोट कर लें, अगर नहीं लिखा तो तुरंत लिख लें। हम लोगों ने क्वेश्चन 12 तक पढ़ लिया है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं, हम आपको सब कुछ करवाएंगे, तो इसके अगला पार्ट आप ज़रूर देखना, चौथा पार्ट, ठीक है ना, जिसमें हमारी कोशिश होगी आपको 13, 16 और 18 क्वेश्चन बता देंगे, बाकी के बचे क्वेश्चन अगले पार्ट में बताएंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे, जय हिंद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको सारी क्लासें मिलती रहें। अगर आपने अभी तक PVR स्टडी का ऑफिशियल ऐप्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए, जिससे कि आपको कंप्लीट कोर्स PVR स्टडी ऐप में बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हो सके। और हाँ, अगर आपने फेसबुक पर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया और तो फेसबुक और अनअकैडमी पर PVR स्टडी को सर्च करके फॉलो करें और पढ़ते रहें कभी भी कहीं भी। जय हिंद। चलते चलते एक निवेदन, इस क्लास को शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना साथियों, शुक्रिया।